सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। रात्रि की घटना है, उसमें एक ट्रक था जिसमें बांदा बबेरू से लगभग 20-25 टन गेहूं लदा हुआ था और उसके ड्राइवर और क्लीनर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने ओवर पावर किया और उन दोनों के हाथ पैर बांधे और गमछे से दोनों के गलों को कसने का प्रयास किया गया। और करहल थाना क्षेत्र में जो सैफई वाला बाईपास है उसमें रात्रि के अंधेरे में उन लोगों ने दोनों को फेंक दिया, जिसमें से ड्राइवर के अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में जो ट्रक के मालिक हैं उन्होंने मुकदमा यहाँ पे थाना करहल में पंजीकृत कराया है। हमारी टीम में विशेष रूप से जो इंस्पेक्टर करहल हैं मतलब जो स्वाट के प्रभारी हैं वो लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कुछ इसमें हमें महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस घटना को पारित करने वाले जो भी बदमाश हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और दूसरा जो ट्रक लूटा है और जो सामान उसमें है वो उसकी खुशी दे रहा है। सर एक किरतपुर में जो है ट्रक चालक जी 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 घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए ऐसा है कि ये गत रात्रि की घटना है, इसमें एक ट्रक था जिसमें बांदा बबेरू से लगभग 20-25 टन गेहूं लदा हुआ था और उसके ड्राइवर और क्लीनर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने ओवर पावर किया और उन दोनों के हाथ पैर बांधे और गमछे से दोनों के गलों को कसने का प्रयास किया गया। और करहल थाना क्षेत्र में जो सैफई वाला बाईपास है उसमें रात्रि के अंधेरे में उन लोगों ने दोनों को फेंक दिया, जिसमें से ड्राइवर के अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में जो ट्रक के मालिक हैं उन्होंने मुकदमा यहाँ पे थाना करहल में पंजीकृत कराया है। हमारी टीम में विशेष रूप से जो इंस्पेक्टर करहल हैं उनमें जो स्वाट के प्रभारी हैं वो लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कुछ उसमें हमें महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस घटना को पारित करने वाले जो भी बदमाश हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और दूसरा जो ट्रक लूटा है और जो सामान उसमें है वो उसकी खुशी दे रहा है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।